नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य प्रकाश में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके मोबाइल में भी VN वीडियो एडिटर एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रही है, जी हाँ दोस्तों, अगर आपके मोबाइल में VN वीडियो एडिटर एप्लीकेशन नहीं चल रही है तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हो। अगर आप भी जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो इसके लिए सबसे पहले गाइस आपको करना क्या, अगर आपके मोबाइल में ये एप्लीकेशन नहीं चल रही है, अगर आप इस एप्लीकेशन पर वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो लेकिन ये एप्लीकेशन काम नहीं कर रही है, तो आज के इस वीडियो में आपको 2 से 3 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे कि दोस्तों आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर पाओगे। तो सबसे पहले गाइस आपको करना क्या, अगर आपके मोबाइल में ये एप्लीकेशन नहीं चल रही है तो आपको अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है। मोबाइल की सेटिंग्स में आने के बाद आपको ऐप्स ऑप्शन पर क्लिक करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने मोबाइल में ऐप्स या फिर एप्लीकेशन मैनेजमेंट, यहाँ पर आपको जो भी ऑप्शन शो हो रहा है, क्योंकि दोस्तों हर एक मोबाइल में अलग अलग सेटिंग्स रहती है, तो यहाँ पर अगर आपके मोबाइल में एप्लीकेशन मैनेजमेंट या फिर ऐप्स का ऑप्शन दिख रहा है तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको मैनेज ऐप्स पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद आपको सर्च बार पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको VN वीडियो एडिटर एप्लीकेशन को सर्च करना है। तो गाइस यहाँ पर आप देखते हो VN वीडियो एडिटर एप्लीकेशन आ चुके हैं। इस एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद आपको इस एप्लीकेशन का फोर्स स्टॉप और क्लियर डेटा कर लेना है। फोर्स स्टॉप पर करने के बाद ओके पर क्लिक करना, और यहाँ पर क्लियर डेटा पर क्लिक करने के बाद क्लियर ऑल डेटा पर क्लिक करने के बाद ओके पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर फोर्स स्टॉप पर क्लियर डेटा करने के बाद यहाँ से आपको बाहर आना है। अब गाइस आप अपने मोबाइल में VN वीडियो एडिटर एप्लीकेशन को आप ओपन कर सकते हो, शायद से जो है प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। लेकिन फिर भी VN वीडियो एडिटर एप्लीकेशन नहीं चल रहा है तो आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाना है, और प्ले स्टोर में आने के बाद अगर आपके VN वीडियो एडिटर एप्लीकेशन पर कोई अपडेट आया होगा तो प्ले स्टोर से आपको जो है VN एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, अपडेट करने के बाद प्रॉब्लम जो है ठीक हो जाएगी। तो गाइस कुछ इस प्रकार से आप इन 2 तरीकों को यूज़ करके VN वीडियो एडिटर एप्लीकेशन की ओपन प्रॉब्लम को आप ठीक कर पाओगे, और इसके बाद गाइस आपके मोबाइल में ये जो है एप्लीकेशन सही से वर्क करेगी और ओपन हो जाएगी। तो गाइस कुछ इस प्रकार से आप VN वीडियो एडिटर एप्लीकेशन की ओपन प्रॉब्लम को आप ठीक कर सकते हो। तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर देना।